मैं कोपा कुंजाम, जिला दंतेवाड़ा, जो छत्तीसगढ़, जो राज्य से बहुत दूरी है और विभिन्न समस्याओं से जूझ रही है। बहुत सारे जो एनजीओ से अभी छत्तीसगढ़ में बहुत इंटरनेशनल संस्थाएं चल रहे हैं, जो सब लोग उस संस्था के वापिस है, जैसे एमएसएफ है आपका, रेड क्रॉस है, यूनिसेफ है, बहुत सारे लोग बोलते थे चलते हैं शिक्षा पर ये सब चलने के नाते भी गांव लेवल के लोगों को फ़ायदा नहीं होता है, अभी तक नहीं होता है। तो मैं इस वीडियो अनेट के माध्यम से मैं उस चीज़ों को बाहर रखूँ और वहाँ अधिकारियों से बात करके इसको समस्या का हल करने का एक मेरा बहुत बड़ा पहचान बनेगी, साथ में मेरी पहचान बनेगी, साथ में समुदाय स्तर पे हमारी जो है समस्या है वो कहीं ना कहीं निराकरण हो सकता है। आपने छत्तीसगढ़ में सुना होगा एक सलवा जुड़ूम अभियान, जिसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार, अत्याचार और बलात्कार जैसे मामले सामने आए हैं। इस मुद्दे पे ज़्यादातर परेशान, क्योंकि प्रशासन के द्वारा ये चलाया गया अभियान है और प्रशासन ये चाहेगी कि मुद्दे कभी बाहर ना हो। ये असर हम लोगों ने एक बैठक रायपुर में की जो पीयूसीएल के साथ था, उसके बाद पीयूसीएल के साथ हम लोग निर्णय लेके, हम लोग जो गृह मंत्री जो हैं पी चिदम्बरम जी से अनुमति ली थी कि हम एक शांति का जो अभियान है, शांति पद यात्रा शुरू करनी थी जो 14 दिसंबर 2009, इसमें बहुत सारे, जिसमें अरुंधति राय का भी राय था, मेधा पाटेकर का भी राय था और भी जो संदीप पांडे जो हैं बौद्ध मानवाधिकार आयोग, सब लोग मिलके हम लोग सरकार को सब एप्लीकेशन दिए कि इतने दिन से यहाँ तक पदयात्रा शुरू होगी, पर उस शायद वो पदयात्रा कहीं हमारे लिए उस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा लाभदायक रहा, लेकिन सरकार ने क्यों मना किया, क्योंकि वहाँ के सारे गांव, सारे बलात्कार जैसे केस हैं, एक से एक पत्रकार जिसमें बहुत सारे लोग आने वाले थे और 14 दिसंबर को वो पदयात्रा शुरू करनी थी। उसके पहले मुझे एसपी बुलाया था कि आप ये सब लोग क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। मैंने उनको बोला कि आपको पहले से हम मैसेज दे चुके हैं कि ये जो मुद्दे हैं ये आपके लिए भी फायदेमंद होगा, यहाँ के समाज के लिए भी फायदेमंद होगा, इसलिए पदयात्रा होना चाहिए और पदयात्रा होने से हमको एक शांति का बहल मिल सकता है, लोगों को समस्या और एक जन सुनवाई करनी थी, जिसमें पी चिदम्बरम खुद बोले थे कि मैं उस जन सुनवाई में मैं आऊँगा, पर ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि हो सकता है सरकार अपनी गलती छुपाने के लिए या उस पदयात्रा को नाकाम करने के लिए, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, मुझे ये बोलकर लिया गया है कि नहीं, आपको डीआईजी साहब कल्लूरी और एसपी साहब बात करना चाहते हैं, आप चलिए। हमें, मेरे साथ और एक साथी था जो वकील था हाईकोर्ट का, अलबन टोपो, वो भी साथ में हम लोग थाने में गए, फिर वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे ये लोग, 4-5 बज रहा था तो मुझे सीधा ये लोग बैरमगढ़ उठा के ले गए, तो मैं अपने बॉस को फ़ोन किया हिमांशु जी को कि मैं किडनेप हो गया हूँ, तो हिमांशु जी ने तुरंत टीवीओ में चालू किए, तो भैरमगढ़ ला जा के मुझे बहुत कुछ टॉर्चर के उन्होंने ही पूछा कि आप गांव में जाते हैं तो आप लोग मीटिंग करते हो, तो उनके साथ क्यों मीटिंग करते हो। मैं बोला मैं जाता हूं, मेरा तीन ही मुद्दा है, मेरे को स्वास्थ्य, शिक्षा और पीडीएस जैसे समस्या, गांव की समस्या पूछने के लिए जाता हूं, और मुझे नहीं 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 पता कि आप कौन है या वो कौन है, उससे मेरा कोई मतलब नहीं था, मेरे को तो वहाँ का समस्या का हल करना, और उस समस्या को वहाँ से लाकर हम समस्त अधिकारी तक देने का प्रयास किए। अब नहीं मालूम सरकार के बीच क्या गुजरी क्या, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से जुड़ा हूँ, इसलिए मैं चुप के या उसको छुपा के क्यों रखूं, मैं खुलकर कहना चाहता हूं, क्योंकि सरकार जो है उस क्षेत्र में इतना ज़्यादा अति कर चुका है कि वो सारे मुद्दे वीडियो के माध्यम से एक्टिविस्ट लोग इस मुद्दे को सामने लाएंगे और पूरे पूरे सरकार पर दबाव बनेगी, इसलिए पदयात्रा ना हो। इसलिए इस संस्था को कुल मिलाकर एक तरफ से बंद करना था, क्योंकि एक ऐसी संस्था थी जहाँ पर काम करते थे, इसलिए उन्होंने ये सब रोक लगाने के चक्कर में मुझे गिरफ्तारी किए। गिरफ्तारी के बारे में बताओ, कितना आप रहे और क्या हुआ आपके साथ? देखिए, गिरफ्तारी में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, जैसे आपका 10 दिसंबर को मेरे लोग मुझे आश्रम से उठाए, उठाने के बाद 10 दिसंबर को रात भर मुझे टॉर्चर किया गया, मारपीट किया गया, पूरे चमड़ी के काल उतार दिए गए, उसके बाद काल उतार दिया गया,
फिर उसके बाद भी मैं आंसू नहीं बहाया क्योंकि मैं कोई अच्छा काम कर रहा था और अच्छाई के लिए मैं आया हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे रस्सी से पकड़ा और उल्टे टांग में लटका दिया गया, फिर मिर्च का धुआं दिया गया। तो उसके बाद मैं 12-1 बजे तक मैं बेहोश हो गया। तो टोटल कितना आप जेल में रहे? जेल में मैं 22 महीना रहा, जो कि 12 महीना मैं दंतेवाड़ा में रहा। और दंतेवाड़ा में हमने बहुत सारे, जब जेल मुझे हो गया तो वहाँ मुझे ये देखने को मिला कि वहाँ ऐसे बहुत सारे गरीब हैं जो वहाँ पे 150 का चमता है, लेकिन वहाँ 700 लोग पूरे जेल में हैं। और 700 लोग जो बिल्कुल गरीब हैं, जिसके पास 2 वक्त का रोटी जुगाड़ने के लिए नहीं है, उनके पास 7-7, 8-8 दारा लग चुके हैं। तो उन लोगों को दर्द को देखकर मुझे भी उतना ज़्यादा जेल काटने में महसूस नहीं हुआ, क्योंकि ये भी मेरे लोग हैं। फिर वो लोग मुझे साथ दिए, तो हमने बहुत कुछ वहाँ प्रयास की कि हम कैसे करके निकले, क्या करें क्या करें। अब वहाँ पे भी हमने 11 जनवरी को वहाँ पे हमने एक भूख हड़ताल करवाई थी। उस भूख हड़ताल में हम लोगों का 3 मुद्दे थे, जो बंदी के परिवार मरते हैं उसको छुट्टी दिया जाए, और जो केस का गवाह हो चुका है उसको जमानत दी जाए, और बहुत पुराने केसेज हैं जिसको अभी तक निर्णय नहीं हो रहा है वो तत्काल निराकरण करें, और बेकसूर ग्रामीणों को जेल में डालना बंद करो। ये 3 मुद्दे के लेकर हमने भूख हड़ताल भी की थी। भूख हड़ताल करने के बाद हमें फिर बोले कि माहौल यहाँ गड़बड़ हो रहा, तो मुझे सारे जंजीर लगा कर मुझे जगदलपुर लाया गया है। तो केस का अभी सिचुएशन क्या है? अभी आप केस कहाँ पर है? अपील पर हो, क्या है अभी? मैं ऐसी बहुत सारे जो हैं गोवा से कुछ तालका जैसे हैं मानवाधिकार, बहुत सारे लोग मेरे लिए बहुत कुछ किए, देश विदेश के लोग भी मुझे मदद किए, हर कोई कोई ना कोई एक्टिविस्ट लिखने की कोशिश किया। और इस केस को हाई कोर्ट रद्द कर दिया गया था, फिर वहाँ सामने कागजात पूरे हमारे घर वाले जो हैं वकील हैं वो तैयार करके फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में भेजे। सुप्रीम कोर्ट से फिर पूछा गया कि आप, सुप्रीम कोर्ट का जो वकील जो वो हैं वो फिर वहाँ प्रश्न किया कि उसमें सारे केस के नीचे सिर्फ उस केस में हमें कोई भी ऐसा चीज नहीं था जिसमें कोपा 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 है, उसमें बिल्कुल नहीं था। वो केस पूरा बनने के बाद नीचे में सिर्फ मेरा नाम था, मतलब जानबूझकर उसको लिखा गया। तो उसमें जो मेरा जो मैन गवाह है जो जाड़ी नागेश, वो कह रहा है कि नहीं, कोपा तो उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था, वो तो मार ही नहीं रहा था, फिर उसको क्यों जेल में ले। तो इस टाइप का मुझे 3 अक्टूबर को मेरा यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से बेल हुआ और 4 अक्टूबर को मुझे जगदलपुर जेल से छोड़ा गया। तो आप पे आरोप क्या? आरोप एक चीज थी कि मैं जो बासागुड़ा और लिंगागिरी जो बसा रहा था, उस गांव में आंगनबाड़ी नहीं था, पीडीएस नहीं था, संस्था द्वारा और जो मदद मिलनी थी वो तो जितना मदद लेना था हम लोग 1.5 साल तक उनको दान क्या क्या उपलब्ध करवाए थे। लास्ट में कलेक्टर जो है आर प्रसन्ना बोले थे कि वहाँ गांव वाले लिखित दिए थे हमें कि सर हमें यहाँ पे चावल राशन दुकान खोल दीजिए। तो हम राशन को लेकर वहाँ के सचिव को हमने पकड़ा, सचिव जो है वहाँ पे वो किया मेरे ख्याल से 5-2-30 तारीख को जो है सचिव वहाँ से चावल पूरा निकालने में सफल रहा। तो कलेक्टर बोला है, सचिव बोला है कि सर आप अभी कहाँ हो? मैं बोला मैं अभी संस्था में। अरे वो चावल आपका वो कर दिए हैं, उनको ले जाना है। तो मैं चावल वाली गाड़ी के सामने मैं बोला कि आप लेके जाइए। तो हम लोग सिर्फ जनता का जो चावल पहुँचाने के लिए उस गाड़ी से गए। तो उस गाड़ी में जाने के बाद और मैं अपना जो रिपोर्ट्स है, मेरे जो स्टाफ है वहाँ पे पुनर्वास में लगी हुई थी, उसका वेतन भी छोड़ना था और कुछ रिपोर्ट्स जो फोटो वोटो लेने थे, तो उस काम से मैं लगा था। चावल काली हो गई तो मैं वहाँ से आया। आने के बाद एक जो है जाड़ी नागेश जो वहाँ का लिंगागिरी का सचिव है, उन्होंने बोला सर मैं बहुत दिन हुआ है मैं घर नहीं गया हूँ, मैं आना चाहता हूँ। तो मैं उनसे निवेदन किया यार मेरे गाड़ी में कोई सपोर्ट नहीं है, मैं किसी को बिटाल तो नहीं सकता, पर तो आपकी गाड़ी है आप खुद अपनी गाड़ी में बैठ जाओ। फिर उसके माँ बाप ने मुझे बहुत अपना हाथ पैर जोड़े और बोले कि सर ले जाइए। तो हमने उसको बिटाल के लाया। रास्ता में जब वापस आ रहे थे तो 407 में जो है पुणे मुंगा भी बैठा हुआ था। ये कौन है?
ये पुणे मुंगा जो है सलवा जुड़ूम अध्यक्ष था उस क्षेत्र का, वो भी बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं था। तम लोगों ने बीच में लजात समय क्या सीआरपीएफ वालों का हमने चावल भी दिया था, उसके बाद उसको पैसा लेने के लिए हम लोग वहाँ रुके थे और मैं 15 मिनट लेट में पहुँचा हूँ जहाँ पर घटना हुई है। घटना होने से क्या, उस गाड़ी में उतार के पुणे मुंगा को पहले से ही नक्सली किडनेप कर लिए थे और सारे लोगों को हाथ ऊपर खड़ा कर दिए थे। उसी बीच मैं पहुँचा वहाँ पर और मैं बोला कि आप लोग क्यों ये सब कर रहे हैं, अभी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो गांव उजड़े हैं वो आंध्रा पलायन कर चुके थे उनको वापस ला रहे हैं और इस समय आप ऐसे घटना कर रहे हैं तो आप अच्छा नहीं है। तो उन लोगों ने मुझसे मुझ पर भी बंदूक टिकाए थे, मैं बोला कैसे बंदूक, मैंने खूब देख ली, मारना है तो मारो, मेरे मारने से अगर आपको कोई हासिल होता है तो कोई बात नहीं। तो इन बातों को लेकर उनके साथ बहुत सारा मेरा आतापाई भी हुआ और मैं उन जो 70 लोग और भी थे उन लोगों को बोला कि यार चलो थोड़ा बात कर लेते हैं, पर उन लोगों ने साथ नहीं दिया। पर हमने कोशिश किया कि सब जगह गांव से अपील की कि आप मत मारिए, अभी मत मारिए। तो उसमें से 2 लोग किडनेप हो गए थे, एक तो जो पुणे मुंगा है, एक जाड़ी नागे से। हालांकि आपसे हमारा कोई दुश्मनी भी नहीं था, मैं जानता भी नहीं उन लोगों को, मैं तो एक फील्ड वर्कर था तो मैं गया हुआ था। पर उसमें 18 दिन के बाद जाड़ी नागेश को छोड़ दिया गया और पुणे मुंगा को मार दिया गया। उसके बाद फिर हम लोग थाना गए कि इस केस को आगे, तो वो तो बोले यार तो तुम्हारा काम नहीं है, ये तो होता ही है, ये घटना है, तुम आज तक शांत हुई। लेकिन उस घटना को इसलिए ये लोग सामने लाए कि क्योंकि पदयात्रा तो हो ही जाता, पदयात्रा को कोई रोक नहीं सकता, अब कोपा को पसाएं तो कैसे पसाएं, इस दृष्टि से वो लोग फिर वो केस मेरे ऊपर आरोप लगा के डाले थे।